यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने एशिया दौरे पर हैं और इनिशियली माना जा रहा था कि वो अपने इस दौरे के दौरान ताइवान जाएंगी। इस पोटेंशियल दौरे को लेकर चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट दर्ज कराई गई थी। इनफैक्ट 3 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में एक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई थी और इस कॉन्वर्जेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी तो ये आग से खेलने जैसी बात होगी। इसके बाद चाइना की तरफ से कुछ लाइव फायर एक्सरसाइज शुरू की गई थी और काफी तेजी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से अपने ट्रुप्स को उन इलाकों में ले जाया गया जहां से पोटेंशियली चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर अटैक किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नैन्सी पेलोसी हैं कौन। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को छोड़ दिया जाए तो नैन्सी पेलोसी इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे पावरफुल लीडर हैं। यानी कि पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 3rd most powerful पॉलिटिशियन है और उनकी इस एशिया विजिट के पीछे जो सबसे बड़ा मोटो है वो इलाके में मौजूद अपने पार्टनर्स को ये बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। लेकिन चाइना की तरफ से उनकी इस विजिट को लेकर जो स्टैंस लिया गया है उसके बाद चीजें काफी ज्यादा बदल जाती हैं और इसका इम्पैक्ट उनके इलाके में एलाइज के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है। इनफैक्ट आज जो नैन्सी पेलोसी की आइटिनरी निकल कर आई है उसमें ताइवान का कोई जिक्र नहीं है और ये चीज क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के प्रेशर के नीचे क्रम्बल कर गया है। हालांकि कुछ लोगों की तरफ से ये चीज भी कही जा रही है कि 4 अगस्त वाले दिन नैन्सी पेलोसी ताइवान जा सकती हैं और अगर नैन्सी पेलोसी ऐसा करती हैं तो ये इलाके में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एलाइज के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और यूएस की तरफ से ये स्टेप ये चीज भी एस्टेब्लिश करेगा कि अगर जरूरत पड़ती है तो यूएस फोर्सेस ताइवान की मदद के लिए खड़ी रहेंगी। लेकिन अगर पेलोसी नहीं जाती हैं तो इलाके में मौजूद एलाइज को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या जरूरत पड़ने पर यूएस उनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आज बिना वॉर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के प्रेशर के अंडर क्रम्बल कर गया है। वैसे अगर पेलोसी नहीं जाती है तो उसके पीछे एक चीज ये भी हो सकती है कि यूएस नहीं चाहता है कि ताइवान को लेकर कोई भी फ्लैश पॉइंट को इस समय इग्नाइट किया जाए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय यूक्रेन में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है और रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस के चलते यूएस इकोनॉमी की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वैसे इन थ्योरी चाइना के लिए इससे अच्छी विंडो नहीं हो सकती है ताइवान के ऊपर कब्जा करने की। लेकिन ये चीज भी हम सब जानते हैं कि अगर चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी काफी ज्यादा होने वाला है। देखिए, भले ही ताइवान एक छोटा देश है लेकिन ये नेचुरल डिफेंसेस से घिरा हुआ है। सबसे पहले चाइना को ताइवान के ऊपर हमला करने से पहले रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आर्टिलरी यहाँ पर काम नहीं करेगी और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ताइवान स्ट्रेट। मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में लगभग 180 किलोमीटर वाइड ताइवान स्ट्रेट है और किसी भी तरीके के ऑपरेशन को करने से पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यहाँ पर एम्फीबियस लैंडिंग करनी पड़ेगी और उस एम्फीबियस लैंडिंग से पहले ताइवान के डिफेंसेस को सॉफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि पहले बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाएगा और उसके बाद एम्फीबियस लैंडिंग की जाएगी। लेकिन उससे भी पहले ताइवान के एयरफोर्स को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, जो पीएलए एयरफोर्स के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल काम होने वाला है। इसके अलावा इलाके में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के एसेट्स, स्पेशली रिकॉन एसेट्स, ताइवान के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, जो ओवरऑल चीजों को चाइना के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। इन थ्योरी चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर पाएगा, लेकिन इस पूरे कैंपेन में चाइना को बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे और इसी वजह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से ताइवान के ऊपर हमला होने के चांसेस कम है। लेकिन हमको यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल भी समझना पड़ेगा कि शी जिनपिंग के लिए ताइवान पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जब बात आती है पॉलिटिक्स की, स्पेशली सीसीपी के अंदर, तो चाइना किसी भी तरीके का प्राइस पे करने के लिए तैयार रहता है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज नहीं कही जा सकती कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हम इस पूरे डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आएगा उसको हम लोग जरूर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।